दीदी दीदी आज स्कूल में ना हमारी मैडम ने एक तांगे वाले को बहुत डांटा। बहुत डांटा? अरे क्यों? दीदी तांगे वाले ने हमारे स्कूल के घास वाले वर्गाकार बगीचे के एक कोने पर अपना घोड़ा बांध दिया था। उस घोड़े ने बगीचे की कोने वाली जगह की सारी घास खा ली। अरे तब तो तुम्हारी मैडम को डांटना ही था। परंतु दीदी इसमें इतना शोर मचाने की क्या बात थी, उसने थोड़े से कोने की घास ही तो खाई थी। अच्छा अच्छा कूल डाउन। क्या तुम बता सकते हो जिस स्थान से उस घोड़े ने घास खाई थी उसका क्षेत्रफल कितना था? दीदी आप भी कैसी बात करती हो, यहाँ न तो आयत है न वर्ग है और न ही त्रिभुज है, और तो और यहाँ तो वृत्त भी नहीं दिया गया है जो मैं कोई सूत्र लगाकर इसका क्षेत्रफल निकाल लूं। तो इसका मतलब तुम्हें आयत वर्ग वृत्त और त्रिभुज आदि का क्षेत्रफल निकालना आता है। अच्छा दीदी लगता है आपको मेरे जूनियर गणितज्ञ होने में कोई शक है। हाँ है तो। दीदी मुझे अच्छे से मालूम है किसी वस्तु या आकृति द्वारा एक तल पर घेरे गए क्षेत्र या जगह को उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसी प्रकार एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग इकाई, जहां वर्ग इकाई क्षेत्रफल की यूनिट कहलाती है। जैसे यदि 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत दिया गया हो तो उस आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, जो हुआ 5 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर यानी 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार दीदी वर्ग में चूंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, अर्थात चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अतः वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा वर्ग इकाई। और यदि हमें वृत्ताकार आकृति दी गई हो तो इसका क्षेत्रफल होता है। अरे भाई क्या होता है, बताओ बताओ। ओह दीदी मुझे पता है, बस वो थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था। तो तुम फिर से भूल गए। अरे भाई देखो रटोगे तो अक्सर भूलोगे ही, इसे तुम समझने की कोशिश करो। ये देखो अगर तुम्हें आयत का क्षेत्रफल निकालना आता है तो इसी आधार पर मैं तुम्हें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का एक बढ़िया सा तरीका समझाती हूँ। क्यों सीखोगे? हाँ दीदी क्यों नहीं। इसे अच्छे से समझ लोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। चलो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले हम एक मोटा कागज लेकर किसी त्रिज्या आर का यानी किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं और इस वृत्त को काट कर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हमें आर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार चक्रिका प्राप्त होती है। अब हम बीच में से इसे इस प्रकार मोड़ते हैं कि दोनों भाग एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें। फिर इस मुड़ी हुई चक्रिका को फिर से इस प्रकार मोड़ते हैं कि दोनों भाग एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें। इस प्रकार हम इस चक्रिका या वृत्त को तब तक मोड़ते रहते हैं जब तक कि ये मोड़ सके और एक दूसरे को पूरा पूरा ढक सके। फिर इस चक्रिका को खोलते हैं। खोलने पर हमें वृत्ताकार चक्रिका कई भागों में बटी नजर आती है। प्रत्येक भाग 2 त्रिज्याओं और 1 चाप से घिरा हुआ है। यदि हम इन भागों को काटकर
इस प्रकार संयोजित करें कि एक भाग सीधा तथा दूसरा भाग उल्टा हो, तो हमें लगभग समांतर चतुर्भुज की आकृति प्राप्त होती है, जिसे एक किनारे से काटकर दूसरे किनारे पर चिपकाने पर एक आयत होता है। क्यों समझे? अरे मेरे गणितज्ञ भैया, अब जरा ये बताओ, यहाँ आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? दीदी, इस आयत की चौड़ाई होगी काटे गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर, और इसकी लंबाई 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 क्या होगी दीदी? देखो, हमने जब वृत्त के अलग अलग भाग काटे थे तो वो त्रिज्या और चाप से घिरे थे, तो त्रिज्या तो हो गई आयत की चौड़ाई, और ये सभी चाप मिलकर हो गई वृत्त की परिधि, जो कि आयत की दो सम्मुख लंबाई में बट गई, यानी आयत की लंबाइयों का जोड़ बराबर हुआ वृत्त की परिधि 2πr, यानी आयत की लंबाई हुई 2πr बटे 2 बराबर πr। तो इस प्रकार आयत की लंबाई हो गई πr और चौड़ाई हो गई r। तो फिर अब इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? दीदी, इस आयत का क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुना चौड़ाई, यानी पाई आर गुना आर, बराबर हुआ पाई आर वर्ग। बिल्कुल सही। और ये आयत हमने आर त्रिज्या के वृत्त के विभिन्न भागों से मिलकर बनाया है, तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ? दीदी, वृत्त का क्षेत्रफल भी हुआ पाई आर का वर्ग। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर आर वृत्त की त्रिज्या है और पाई एक अचर है, जो किसी भी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात होता है, यानी परिधि बटा व्यास बराबर होता है पाई के। जानते हो, पाई एक यूनानी अक्षर है और हम इसका मान प्रश्नानुसार प्रायः 22/7 या फिर 3.14 के लगभग लेते हैं। दीदी, वाकई आपके इस क्रियाकलाप को मैं कभी नहीं भूलूंगा। दीदी, वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र को याद रखने के इस तरीके को मैं अपने दोस्तों को भी सिखाऊंगा। अच्छा, क्या तुम परिमाप के बारे में जानते हो? बिल्कुल दीदी, जानता हूँ। परिमाप का अर्थ है किसी भी आकृति के चारों ओर की माप, है ना दीदी? बिल्कुल ठीक। लेकिन यदि हमें पता करना हो कि एक आयताकार पार्क के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना तार चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बताओ तो जरा। दीदी, हम पार्क का परिमाप निकालेंगे और आयत का परिमाप होगा AB जमा BC जमा CD जमा DA, परंतु आयत की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AB बराबर CD तथा AD बराबर BC, ये बराबर हुआ 2AB जमा 2BC के, जो कि बराबर होगा 2 × AB जमा BC, यानी आयत का परिमाप हुआ 2 × लंबाई जमा चौड़ाई। इसी प्रकार यदि पार्क वर्गाकार होता, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तब वर्ग का परिमाप होगा 4 × AB, यानी 4 × भुजा, और वृत्त का परिमाप तो वृत्त की परिधि ही होती है, और परिधि निकालने के लिए हम जानते हैं कि परिधि बटा व्यास बराबर है पाई, और व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, तब परिधि हुई 2 × त्रिज्या × पाई, यानी 2πr,
ठीक बताया ना दीदी? बिल्कुल ठीक, तुमने सब कुछ एकदम सही बताया। अच्छा अब जरा एक प्रश्न तो हल करो। माना दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। दीदी यहाँ दो छोटे वृत्त दिए हैं जिनमें एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तब पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई गुना 8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः पहले वृत्त का क्षेत्रफल हुआ 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई गुना 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल होगा 64 पाई जमा 36 पाई यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये क्षेत्रफल बराबर है तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के जिसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। तो फिर से तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर के वर्ग और अब पाई आर का वर्ग बराबर हुआ 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के या आर स्क्वायर बराबर 100। तब आर बराबर हुआ वर्गमूल 100 के। अतः आर हुआ 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं से बने वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, तुमने तो बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा आप ये बताओ कि तुम त्रिखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो क्या? दीदी मैंने त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में पढ़ा तो है पर कुछ स्पष्ट रूप से याद नहीं आ रहा। दीदी यदि थोड़ी दोहराई करा दो तो बहुत अच्छा होगा। मुझे पता था तुम यही कहोगे। कोई बात नहीं, मैं दोहराई करा देती हूँ। देखो यदि वृत्त में कोई जीवा खींची जाए तो वृत्त दो भागों में बट जाता है। ये भाग वृत्त खंड कहलाते हैं, छोटे वाला भाग लघु वृत्त खंड और बड़े वाला भाग दीर्घ वृत्त खंड कहलाता है। यदि वृत्त की चाप APB के सिरों को केंद्र O से मिलाया जाए तो भी वृत्त दो भागों में बट जाता है और इन्हें त्रिज्यखंड कहते हैं। दीदी यहाँ OA और OB तो त्रिज्या है यानी वृत्त का वो भाग जो त्रिज्याओं से घिरा हो त्रिज्यखंड होगा। अरे नहीं भैया, यहाँ जरा ध्यान से देखो, यहाँ दो त्रिज्याओं के अलावा एक चाप भी है। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि वृत्तीय क्षेत्र का वो भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। इन त्रिज्यखंडों में छोटा वाला खंड लघु त्रिज्यखंड कहलाता है और दीदी बड़ा खंड दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। हाँ तुम बिल्कुल सही समझे। अच्छा अब तुम बताओ कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं? दीदी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इकाई होता है, यहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। और यदि वृत्त के आधे भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा यानी अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। और यदि इस अर्धवृत्त के भी आधे का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा? तब तो दीदी इसका क्षेत्रफल
अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का भी आधा होगा, यानी पाई आर स्क्वायर बटा दो का आधा, अर्थात पाई आर स्क्वायर बटा चार। क्या बात है, तो ये हिस्सा पूरे वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। तो अब ये बताओ, वृत्त के इस चतुर्थांश को देख के तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि नहीं? हाँ दीदी, याद आया। घोड़े द्वारा खाई गई घास के क्षेत्र की आकृति ऐसी ही तो थी। अरे वाह, समझ गया दीदी। यदि हमें उस घोड़े की रस्सी की लंबाई का पता चल जाए, जो कि वृत्त की त्रिज्या होगी, तो हम खाई गई घास के क्षेत्र का क्षेत्रफल सूत्र पाई आर स्क्वायर बटा चार से आसानी से निकाल सकते हैं। भाई वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे यहाँ वृत्त के चतुर्थांश में कोण एओबी बराबर है 90 डिग्री और इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर बटे चार। यदि यहाँ कोण एओबी 60 डिग्री हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? दीदी, यहाँ क्षेत्रफल निकालने में कोण का क्या संबंध? अरे भैया, वृत्त का चतुर्थांश एक त्रिज्याखंड ही तो है, जिसमें दोनों त्रिज्याओं से केंद्र पर 90 अंश का कोण बनता है। हाँ दीदी, वो तो है, पर 60 अंश के कोण के लिए? जब बताती हूँ। अच्छा पहले ये बताओ, यदि घड़ी की एक सुई घूमकर दोबारा अपनी जगह आ जाए तो इससे कैसी आकृति बनेगी? दीदी, ये आकृति वृत्ताकार होगी। गुड, और ये सुई कितने डिग्री का कोण बनाकर अपने स्थान पर पहुँचेगी? दीदी, सुई वृत्ताकार घूमकर पुनः अपने स्थान पर पहुँचती है, अतः सुई ने 360 अंश का कोण बनाया। बिल्कुल सही। इस सुई के चक्कर लगाने से बने क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, जरा बताओ। अरे दीदी, जब ये आकृति बनी है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। तो अब देखो, जब 360 अंश का कोण बनता है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यदि एक अंश का कोण बने तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश। इस प्रकार यदि 90 अंश का कोण बने तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश गुणा 90, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 4। अरे वाह दीदी, आपने तो मुझे बड़ी आसानी से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल दो दो विधियों से बता दिया। चलो ठीक है, तो अब ये बताओ कि 60 अंश का कोण बनाते हुए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दीदी, क्योंकि 360 अंश का कोण बनता है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक अंश का कोण के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 अंश, तो 60 अंश के कोण के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 अंश गुना 60 अंश, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 6। बहुत बढ़िया। अच्छा यदि कोई भी कोण माना थीटा ले तो बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दीदी, अब तो मैं अच्छी तरह समझ गया कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 अंश गुना थीटा डिग्री। बहुत बढ़िया, इसी सूत्र से हम किसी भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अच्छा भैया ये बताओ, क्या तुम त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हो? दीदी, ये तो वृत्ताकार है, इसे पैमाने से कैसे मापें? अरे भैया, पैमाने से इस त्रिज्या को तो माप सकते हैं ना, तो बस इससे ही हम चाप की लंबाई भी निकाल लेंगे। वो कैसे दीदी? देखो,
जब संपूर्ण वृत्त पर 360 अंश का कोण बना तो परिधि कितनी हुई? दीदी, परिधि हुई 2πr। यानी 360 अंश कोण बना तो चाप की लंबाई हुई 2πr। और यदि त्रिज्य खंड में 1 अंश का कोण बना हो तो चाप की लंबाई हुई 2πr बटे 360 अंश गुणा 1 अंश। तो दीदी, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुना थीटा के, तथा इसी प्रकार थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई होगी 2πr बटा 360 गुना थीटा के। हाँ भैया, और इसको याद रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ। माना त्रिज्य खंड की दोनों त्रिज्या परस्पर थीटा कोण बनाती हैं, तो किसी भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360, और त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई होगी 2πr गुणा थीटा बटा 360। तो भैया, यहाँ जरा एक बात पर ध्यान दो। क्या तुम जानते हो कि सुई वृत्ताकार घूमकर पुनः अपने स्थान पर कितने मिनट में पहुँचती है? दीदी, 60 मिनट में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल भी हुआ पाई आर स्क्वायर, और इसी प्रकार 1 मिनट में सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर बटा 60 मिनट। क्यों, ठीक है ना? हाँ दीदी, तो इसी प्रकार 15 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर बटा 60 मिनट गुणा 15 मिनट। सही समझे। तो भैया, इस प्रकार यदि हमें समय दिया गया हो तो इस विशेष समय में सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर बटा 60 मिनट गुणा समय, जिसको कि हम मिनट में रखते हैं। वाह दीदी, ये मैं भली भांति समझ गया। बहुत अच्छे। अब तो इन सूत्रों पर आधारित मैं सभी प्रश्नों को अच्छी तरह हल कर सकता हूँ। क्या बात है। मैं तुम्हें एक समस्या देती हूँ, जरा हल करके बताओ। तो माना एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यहाँ पाई बराबर है 22/7 के। और हाँ, इस समस्या में जरा ध्यान से देखो, हमें समय 5 मिनट दिया गया है, और यहाँ 5 मिनट में सुई द्वारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीदी, यहाँ 5 मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आर की लंबाई हुई 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा 360। परंतु दीदी, यहाँ तो थीटा दिया ही नहीं है। पर समय तो दिया गया है ना मेरे प्यारे भैया। हाँ दीदी, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तभी तो मैं तुम्हें बार बार यही समझाती हूँ कि ध्यान से समझा करो। अब देखो, अभी अभी तो मैंने तुम्हें बताया था, यदि थीटा दिया गया हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 अंश, और यदि समय दिया गया हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर गुणा समय, जो कि मिनट में होना चाहिए, बटा 60 मिनट। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भैया, हम दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे, समझे? ठीक है दीदी। तो क्योंकि हमें समय दिया है तो यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर गुना समय बटा 60 मिनट। यहाँ त्रिज्यखंड में आर दिया गया है 14 सेंटीमीटर,
बिल्कुल सही। तथा पाई का मान दिया है 22/7, तो क्षेत्रफल आया 22/7 × 14 × 14 × 5/60, जो कि आया 154/3, जो कि हल करने पर आया 51.3 वर्ग सेंटीमीटर। भाई वाह, इस समस्या को तो तुमने बिल्कुल ठीक ठीक हल कर लिया। अब एक और समस्या को हल करो। ये देखो, इस आकृति में छायांकित वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण AOB 120 अंश है। दीदी, आपने तो एकदम अलग समस्या पूछ ली। आपने तो अभी तक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का कोई सूत्र बताया ही नहीं, फिर कैसे निकालूं इसका क्षेत्रफल? अरे भैया, वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिज्यखंड OAYB के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। यानी वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो अब हम सबसे पहले त्रिज्यखंड OAYB के क्षेत्रफल को निकालते हैं। जरा बताओ तो सही, इसका क्या सूत्र होगा? दीदी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है θ/360° × πr². बहुत अच्छे, ये तो तुम्हें अच्छे से याद था। और फिर अब देखो, हम जानते हैं यहाँ θ = 120 अंश, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और यहाँ पर पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। तो फिर ये सभी मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल, जो कि हुआ 120 अंश / 360 अंश × 22/7 × 21 × 21। और इस तरह त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब इसके बाद हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालते हैं। दीदी, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 × आधार × शीर्षलंब होता है, परंतु यहाँ न तो आधार है और न ही शीर्षलंब, फिर कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे? अरे चिंता क्यों करते हो, ठहरो जरा, रुको, वही तो बता रही हूँ। ये देखो, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम AB पर OM लंब खींचते हैं। अब त्रिभुज OAB में OA बराबर OB दोनों त्रिज्याएं हैं, अतः त्रिभुज OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है और सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित करता है। अतः त्रिभुज OAB में कोण AOB बराबर है 120 डिग्री, अतः कोण AOM बराबर हुआ 120 डिग्री / 2 यानी 60 डिग्री के। और इसी प्रकार कोण BOM भी बराबर हुआ 60 डिग्री के यानी 60 अंश के। अब हम समकोण त्रिभुज OMA में देखते हैं, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और यहाँ आधार है OM और कर्ण है OA, और यहाँ थीटा बराबर है 60 डिग्री, अतः cos 60 डिग्री बराबर होगा OM/OA। यहाँ OA का मान है 21 सेंटीमीटर और तुम तो जानते ही हो कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो फिर सूत्र में ये सभी मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 1/2 OM/21, तब OM बराबर आया 21/2 सेंटीमीटर। तो देखा तुमने, इस समकोण त्रिभुज का आधार तो हमने ज्ञात कर लिया,
लेकिन अब ये बताओ कि हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना के लिए कौन सी भुजा का माप चाहिए? दीदी, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब होता है, इसलिए अब हमें शीर्ष लंब की माप भी ज्ञात करनी है। तो फिर बताओ तो शीर्ष लंब की माप ज्ञात करने के लिए कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे? दीदी आप ही बताओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा। देखो, क्योंकि यहाँ हमें आधार और कर्ण दोनों ज्ञात हैं, तथा शीर्ष लंब की माप ज्ञात करनी है, यहाँ पे हम साइन थीटा का उपयोग करते हैं। तो थीटा तो यहाँ पर है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर हुआ लंब बटा कर्ण, यानी AM बटा OA। यहाँ OA बराबर है 21 और हमें AM ज्ञात करना है। चूंकि साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2, अतः AM बटा 21 सेंटीमीटर बराबर हुआ वर्गमूल 3/2 सेंटीमीटर, यानी AM बराबर हुआ 21 वर्गमूल 3/2 सेंटीमीटर। और फिर हमने ये अभी सिद्ध किया था कि AB का मध्य बिंदु M है, तो AB बराबर हुआ AM का दुगना, यानी AB बराबर 2×21 वर्गमूल 3/2, अर्थात AB बराबर 21 वर्गमूल 3। और फिर तुम तो ये अच्छी तरह से जानते ही हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब। ये त्रिभुज है OAB, जिसका आधार AB हमने ज्ञात किया है 21 वर्गमूल 3, तथा शीर्ष लंब OM निकाला है 21/2 सेंटीमीटर। तो ये मान रखने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुणा AB गुणा OM, यानी 1/2 गुणा 21 वर्गमूल 3 गुणा 21/2। तो इस प्रकार त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा 441/4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग। लेकिन हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और फिर ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि OAYB त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल को घटाने पर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब देखो, यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल है 441/4 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल बराबर हुआ 462 × 441/4 गुणा वर्गमूल 3, जिसे हल करने पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ 21/4 × 88 × 21 वर्गमूल 3। दीदी ये प्रश्न तो बड़े ही मजेदार है, मुझे इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न कराओ ना प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, लगता है तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है तो चलो इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और कोण AOC बराबर 40 डिग्री। अब जरा इस आकृति को ध्यान से देखना भैया। ये देखो, यहाँ पर दो त्रिज्यखंड बने हैं। एक त्रिज्यखंड तो AOCE है, जिसमें कोण AOC बराबर 40 डिग्री और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और दूसरा त्रिज्यखंड BODF है, जिसमें कोण BOD बराबर 40 डिग्री और वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। और फिर हम तो जानते ही हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, दीदी मैं बताता हूँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा पाई गुणा r का वर्ग।
शाबाश। तो फिर त्रिज्य खंड ए ओ सी ई का क्षेत्रफल होगा 40/360 गुणा 22/7 गुणा 14/14, जो कि हल करने पर आया 616/9 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह त्रिज्य खंड बी ओ डी एफ का क्षेत्रफल होगा 40/360 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, जो कि हल करने पर आया 154/9 वर्ग सेंटीमीटर। परंतु दीदी, हमें तो आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ, वो तो है, लेकिन जरा ध्यान से देखो। यदि हम त्रिज्य खंड ए ओ सी ई के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड बी ओ डी एफ का क्षेत्रफल निकाल दें, तो हमें आकृति में ए बी डी सी छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। हाँ दीदी, समझ गया। तो यहाँ छायांकित भाग ए बी डी सी का क्षेत्रफल होगा त्रिज्य खंड ए ओ सी ई का क्षेत्रफल घटा त्रिज्या खंड बी ओ डी एफ का क्षेत्रफल। अब क्योंकि त्रिज्य खंड ए ओ सी ई का क्षेत्रफल है 616/9 वर्ग सेंटीमीटर तथा त्रिज्य खंड बी ओ डी एफ का क्षेत्रफल है 154/9 वर्ग सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ 616/9 घटा 154/9, जो बराबर हुआ 462/9 वर्ग सेंटीमीटर के, जो कि हल करने पर आया 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। दीदी, इस प्रकार की तो कई आकृतियां बन सकती हैं। तो ये सब कैसे याद रहेगा कि मुझे करना क्या है? अरे भैया, परेशान मत हो। किसी भी सवाल या आकृति में पहले ध्यान से देखो कि दी गई आकृति किस प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों के समावेश से बनी है तथा क्षेत्रफल किस भाग का निकालना है। फिर प्रश्नानुसार आकृतियों के अनुरूप सूत्रों द्वारा क्षेत्रफल निकालकर प्रश्न को हल करते हैं। जैसे यदि हमें एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, और इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना हो, तो भैया यहाँ हमें जो आकृति दी गई है उसमें सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सी ज्यामितीय आकृतियाँ शामिल हैं। दीदी, हमें यहाँ एक वृत्त दिया गया है तथा एक समबाहु त्रिभुज दिया है। शाबाश। अब जरा ध्यान से देखो और बताओ हमें किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। दीदी, वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज बना है और हमें समबाहु त्रिभुज के अलावा जो स्थान वृत्त में डिजाइन वाला बचा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। वेरी गुड। इसका मतलब है यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, तो हमें डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यानी आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल घटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दी गई है, तो भैया इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ तो जरा। दीदी, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई गुणा आर का वर्ग, अतः यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल होगा 22/7 × 32 सेंटीमीटर × 32 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक बताया तुमने। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ यदि हम वृत्त के केंद्र ओ से त्रिभुज के शीर्ष ए बी व सी को मिलाएं, तो हमें त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ सी प्राप्त होंगे। यहाँ ध्यान से देखो भैया,
इन तीनों त्रिभुजों की दो दो भुजाएं तो त्रिज्या ही है और तीसरी भुजाएं समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होने के कारण आपस में बराबर हैं। अतः ये तीनों त्रिभुज भुजा 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 सर्वांग सम होंगे, यानी तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा और इसके साथ कोण एक बराबर होगा कोण दो तथा कोण दो बराबर होगा कोण तीन, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण है। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा तीन गुणा त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ओ से बीसी पर लंब समद्विभाजक ओडी खींचते हैं। अब फिर से ध्यान दो, पूर्ण वृत्त का कोण 360 अंश होता है, क्योंकि कोण एक कोण दो और कोण तीन आपस में बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज बीओसी में कोण बीओसी होगा 360 डिग्री बटा तीन, यानी कोण बीओसी बराबर होगा 120 डिग्री। और तुम्हें याद है ना, मैंने पहले भी बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तथा शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि यहाँ पर OD कोण BOC का समद्विभाजक है, अतः कोण BOD बराबर कोण DOC जो बराबर होगा 60 डिग्री के। यहाँ हमें समकोण त्रिभुज BDO में एक भुजा तथा एक कोण दिया गया है। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा का प्रयोग करने पर, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, इसलिए त्रिभुज BOD में साइन 60 डिग्री बराबर BD बटा 32। साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3 बटा 2। अतः यहाँ वर्गमूल 3 बटा 2 बराबर हुआ BD बटा 32, जिसे हल करने पर आया BD बराबर 16 वर्गमूल 3। तो यहाँ आधार BC का मान हुआ 2 गुणा 16 वर्गमूल 3 बराबर 32 वर्गमूल 3। अब क्योंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर AC बराबर BC, जो कि बराबर है 32 वर्गमूल 3 के। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल 3 बटा 4 गुणा भुजा गुणा भुजा। अब क्योंकि यहाँ भुजा बराबर है 32 वर्गमूल 3, अतः क्षेत्रफल बराबर हुआ वर्गमूल 3 बटा 4 गुणा 32 वर्गमूल 3 गुणा 32 वर्गमूल 3, जो कि सरल करने पर आया 768 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हुआ 768 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो निकालना है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। तो दीदी मैं बताता हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी 22 बटा 7 गुणा 32 गुणा 32 घटा 768 वर्गमूल 3, जो बराबर होगा 22,528 बटा 7 घटा 768 वर्गमूल 3, जिसे हल करने पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया 1,899.64 वर्ग सेंटीमीटर।
आओ दीदी, अब हम एक अलग सा प्रश्न हल करते हैं। आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। दीदी ध्यान से देखो, यहाँ वृत्त के दो चतुर्थांश स्थित हैं, तथा दोनों ही चतुर्थांशों में वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। दी गई आकृति के अनुसार इन चतुर्थांशों का उभयनिष्ठ भाग छायांकित डिजाइन वाला भाग है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दीदी, यदि हम दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल के योगफल में से वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमें छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बहुत अच्छे भैया, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दीदी, इसके लिए तो हमें पहले दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालना होगा। और हाँ दीदी, यहाँ दोनों चतुर्थांशों में त्रिज्या प्रयुक्त हो रही है जिसका माप 8 सेंटीमीटर है, तो इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। शाबाश भैया, क्या दिमाग लगाया है तुमने, क्या कहने तुम्हारे भाई। वाह भाई, फिर तो तुम्हें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना भी आता होगा। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुणा पाई गुणा आर का वर्ग। तब तो इन दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल होगा 1/4 पाई आर का वर्ग जमा 1/4 पाई आर का वर्ग, यानी 2 × 1/4 पाई आर का वर्ग, अर्थात 1/2 पाई गुणा आर का वर्ग। यहाँ आर है 8 सेंटीमीटर और पाई का मान होता है 22/7। तो चतुर्थांशों ABCM तथा ABCN के क्षेत्रफलों का योगफल होगा 1/2 गुणा 22/7 गुणा 8 × 8, जो कि हल करने पर आया 704/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालते हैं। पर दीदी, वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा गुणा भुजा। हाँ भैया, इसीलिए यहाँ वर्ग ABCD का क्षेत्रफल होगा 8 × 8 यानी 64 वर्ग सेंटीमीटर। अरे वाह दीदी, अब तो डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल के योग में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। वेरी गुड। तो यहाँ छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल होगा दोनों चतुर्थांशों ABCM तथा ADCN के क्षेत्रफल का योग घटा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, जो कि होगा 704/7, जिसे हल करने पर आया 256/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल होगा 256/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब तुम्हें वृत्तखंड और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल और इनकी संगत चाप की लंबाई के बारे में अच्छे से समझ आ गया है, क्यों है ना दीदी? और यही नहीं, मुझे ये भी अब बहुत अच्छे से ज्ञात हो गया है कि यदि कोण तथा त्रिज्या दी हो तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है, और यदि समय तथा त्रिज्या दी हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है। बहुत बढ़िया। और एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना, जब तक कि प्रश्न में विशेष तौर पर ना बताया जाए, वृत्तखंड से हमारा तात्पर्य लघु वृत्तखंड से और त्रिज्यखंड से हमारा तात्पर्य लघु त्रिज्यखंड से होगा। समझे? ठीक है दीदी,
अब तो मैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की विभिन्न समस्याएं अपने आप हल कर सकता हूँ।